सभी भाइयों को मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो मेरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले महीने जो कौन कौन से जिलों की भर्ती होने वाली है, कौन कौन से राज्य के हैं, ये भी आपको कन्फर्म कर दूंगा। और बहुत से बंदे मुझे कॉल कर रहे हैं कि जो अलग अलग स्टेट की भर्तियाँ आ रही है, क्या सच है या नहीं, ये भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। थोड़े दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, मैं जो कुछ कारण भी हो गया और दूसरे जो रीज़न तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए जो थोड़ा डिले हो गया। पर कोई नहीं, फिलहाल जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उस पर आप फोकस करना, उस पर देखो आप, है ना। अगले महीने जो कौन कौन से जिलों की भर्ती हैं ये चीज़ आपको बताऊंगा। इसमें जो क्या मेजरमेंट है, क्या इसका प्रोसेस है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या इसका कैटेगरी, कितना एज जो की जा रही है, एज का काउंटिंग कहाँ से किया जा रहा है, ये चीज़ सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जितना उसको फॉरवर्ड करना, जितना उस वीडियो को लाइक कर देना। दूसरी चीज़, कमेंट में आपकी जो भी राय है बता देना मुझे, या जो व्हाट्सअप आके मुझे बता सकते हो। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे होंगे, आप इस प्लेट पे भी देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन नंबर पे, आप इस पे भी आप डायरेक्ट जो मुझे मैसेज करके आप जो भी है बात मेरे से कर सकते हो, ठीक है। अब जो बात करने वाला हूँ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन से जिलों के लिए है, या भर्ती कौन कौन सी स्टेट के लिए, ये चीज़ आपको कन्फर्म कर दूंगा। सबसे पहली चीज़, कौन कौन से है जो इसमें पोस्टें मिलने वाली है, आपको ये चीज़ बता देता हूँ। सोल्डर जीडी मिलेगी, बाकी जो सारी जो कैटेगरी है जो अलग अलग मिलेगी वो उस चीज़ की बात करेंगे। पर सोल्डर जीडी में आप अप्लाई करने के लिए आपके 17.5 से 21 साल आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जिन बंदों की जो काउंटिंग की जाएगी, जो एज की जो क्राइटेरिया होते हैं 17.5 से, तो उसका कहाँ से काउंट किया जाता है। बहुत से बंदे पूछते हैं कि सर जो हमारा यानी अट उम्र से है, जो बात का है, पहले का है, ये सारे डाउट जो बहुत से बंदों के होते हैं, तो आपको इसमें बता देता हूँ मेरे भाई। यदि आपके जो एज डेट ऑफ बर्थ आपके जो 1 अक्टूबर 2000 के बाद हैं और आपके 1 अप्रैल 2004 हैं, इसके बीच में है, तो आप जो इस जो सेना भर्ती में आप फॉर्म भर सकते हो। 2021 की सारी भर्तियाँ जितनी भी आ रही है उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हो, जॉब ले सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, आप आर्मी में जाने का सपना देख रहे हो, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि आर्मी के लिए जोश चाहिए, जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए आर्मी में लगने के लिए, और वो लगभग ऑलमोस्ट जो हर बंदे में होता है, क्योंकि जब सपना देखना स्टार्ट कर देता है तो लगभग ऑलमोस्ट हर बंदे में जोश जुनून होता है, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, उस जोश जुनून जज्बे को डिमोटिवेट मत करने दो, जो लोग कह रहे हैं, जो गांव वाले कह रहे हैं, उनके कारण आप जो अपने दिमाग को मत ठेस पहुंचाओ। क्योंकि बहुत से बंदे जो इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरी सेना भर्ती में शामिल होऊंगा, या जो ऐसी चीज़ें हैं, या जो भर्ती आर्मी का सपना छोड़ दूंगा, या जो भर्ती नहीं हुआ तो क्या होगा, इन चीज़ों को दिमाग में मत रखो। जब आपने सोच ही लिया है कि मुझे आर्मी में जाना है, तो उसके लिए आप प्रयत्न करो, उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए प्रयास करो। 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप आर्मी में शामिल हो जाओगे और एक वर्दी लेके जरूर लेके आओगे। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इसमें जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। दूसरी जो, यदि आप इसमें जो हाइट की बात करूँ, तो हाइट मेजरमेंट देखो यार, 170 मांगा जाता है। अलग अलग जो स्टेट में अलग अलग होता है। नॉर्मली जो हिमाचल वाले हैं, जम्मू कश्मीर वाले हैं, उनको थोड़ा अलग छूट मिलता है। जो पहाड़ी इलाके वाले बंदे हैं उनको थोड़ा अलग छूट मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार हैं तो हाइट में, और बाकी जिनके भी बंदों के स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, जो भी हैं, वो सब इसमें हाइट में आपको छूट मिल जाएगा, चेस्ट में भी छूट मिलता है, ऐसे अलग अलग छूट मिल जाता है, ठीक है। और जो दूसरी जो पोस्ट है अपने शोल्डर जो टेक्निकल की है, है ना, जो भी आने वाली सारी सेना भर्ती हैं उनके लिए बता रहा हूँ। सोल्डर जो टेक्निकल की है, इसमें जो आपकी जो एज की काउंट की जाएगी 17.5 से 23 साल की जाएगी, और आपकी इसकी काउंटिंग होगी जो कौन से वर्ष तक होगी, तो आपकी 1 अक्टूबर 1998, है ना, इसके जो काउंट की जाएगी, और आपकी 1 अप्रैल 2004 तक की जाएगी। हाइट का मेजरमेंट आपके 170 रहने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ मेरे भाई, कि आप जो इसमें अप्लाई करने के लिए दूसरी जो और भी पोस्ट होती हैं, जो आप 10th पास से अप्लाई कर सकते हो, 8th पास हो कर सकते हो, तो कौन सी पोस्ट है वो, क्योंकि बहुत से बंदे पूछते हैं कि सर हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो वो भी क्या भर्ती हो सकती, नहीं भर सकते। आप 8वीं पास आउट बंदा भी भर्ती हो सकता है, नॉर्मली जो जो बंदा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, कई बार जो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने के कारण जो आगे नहीं पढ़ पाता है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है, ठीक है। तो 10th पास जो बच्चा भी इसमें शामिल हो गया, 17.5 साल से आपकी जो एज काउंट की जाएगी, आपकी 23 साल तक होगी, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वह 1 अक्टूबर 1998 से काउंट किया जाएगा, 1 अप्रैल 2004 तक की जाएगी। हाइट की बात करूँ तो मैं आपके 170 रहने वाली है। इसमें जो अलग अलग जो वैकेंसी होती है, जो आपके ड्रेसर की होती हैं, वाशरमैन की होती हैं, चीफ की होती हैं, ये जो सारे काम उसमें अलग अलग जो पोस्ट के हिसाब से होते हैं, तो आप टेंशन की बात नहीं है मेरे भाई। आप आर्मी का सपना देख रहे हो, तो आपको वर्दी मिल जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज़ को फोकस रखो, अपने जो दिमाग में एक ही लक्ष्य रखो यार, एक इंडियन आर्मी की वर्दी, बस। आगे के जो बाकी प्रॉब्लम तो हर बंदे को आती है, प्रॉब्लम हर चीज़ आती है यार, उसका सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन आपको दिमाग में मस्तिष्क में एक ही चीज़ बैठानी है मेरे भाई, कि मेन फोकस आपका आर्मी के जो सिलेक्शन के ऊपर होना चाहिए,
क्योंकि लोगों का काम है आपको बोलते रहेंगे, आपको गिराने का काम है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको, जो घर में रह के भी आपको गिराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे चीज़ों में मत, इन चीज़ों में मत ध्यान दो अपना, और जो इतनी चीज़ों फालतू काम है ये, इन चीज़ों में मत दिमाग ख़राब करो। नेक्स्ट जो अपना जो वैकेंसी का है मेरे भाई, जो स्पेशली जो हर बंदा सपना देखता है और जो आंटी पास और बंदा भी देख सकता है, ऐसा नहीं कि जो एक जो हाई पोस्ट की जो तैयारी करनी चाहिए, हाई लेवल के बंदे होना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई। आठवीं पास और बंदा भी इसमें शामिल हो सकता है, जो अपना जो ट्रीटमेंट की रहेगी, ट्रीटमेंट जो इसमें जो आल आल जो होती हैं, जो जिसमें जो हाउस कीपर होते हैं, मेसर होते हैं, ये सारे जो अलग अलग वैकेंसियाँ होती हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 27 से 23 साल तक काउंट की जाएगी एज, और 1 अक्टूबर से 98 से काउंट की जाएगी, अप्रैल 2004 तक की जाएगी। दूसरी जो हाइट की बात करूँ तो मैं आपके, इसमें हाइट आपके 170 ही मांगी जाती है। ये तो मेन फोकस हो गया मेरे भाई इस चीज़ों के बारे में। अब मैं नॉर्मली बेसिक बता देता हूँ कि जो आपके चेस्ट के बारे में क्या चीज़ है। तो चेस्ट जो देखो, हर कंडीशन पे, हर पोस्ट पे अलग अलग मेजरमेंट होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो आपके होता है वो आपके 77 होता है, प्लस 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए। यानी 5 सेंटीमीटर क्यों फुलाना चाहिए, ये चीज़ आपको बता देता हूँ। क्योंकि बहुत से बंदों के जो दिक्कत होती है फेफड़ों में, जो फुलाव नहीं हो पाता है कई बार, तो आप जो इसके लिए एक्सरसाइज डेली करोगे, एक्सरसाइज जो बहुत ज़्यादा करोगे, तो आराम से जो आप 5 सेंटीमीटर या 6-7 सेंटीमीटर भी फूल जाता है। तो ये दिमाग में मत बैठाना कि ये जो यार मेरा नहीं हो रहा है, तो ये जो प्रयत्न भी किया, कुछ किया, 1-2 महीने तैयारी की, फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब चीज़ें पॉसिबल होती है भाई, तो ऐसी चीज़ों में मत ध्यान देना, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा जो हाई नहीं है, नॉर्मली जो बंदा 10th पास आउट बंदा है, और जो 45% आपकी एलिजिबिलिटी है, तो आप इसमें भर्ती में देख सकते हो। और दूसरी चीज़, 33% है ना, 33% आपके इसमें कंप्लीट होनी चाहिए, जो आपके हर सब्जेक्ट में आपके 33 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यानी आपके 100 में से 33 नंबर आपके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, और टोटली आपके परसेंटेज जीडी में आप अप्लाई करोगे तो आपके 45% टोटल होने चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरी जो और भी पोस्टें होती हैं, उनमें क्या जो हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, एज काउंट की जाएगी, क्या इसका प्रोसेस है, वो भी आपको बताता हूँ। कलर का होता है जो, देखो कलर का जो होता है, उसमें जो आप अप्लाई करने के लिए 27 से 23 साल तक जो आपकी है ये एज काउंट की जाती हैं, और वही प्रोसेस है जो आपके 98 से काउंट किया जाएगा। इसमें जिन बंदों की हाइट नहीं है, जिन बंदों की जो हाइट में कुछ प्रॉब्लम है, या देखो बहुत से बंदे होते हैं जो हाइट में चढ़ जाते हैं हर भर्ती में, लेकिन वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाते, तो इसमें जो आप जो भी भर्ती आती है, उसमें जो आप जो कलर की पोस्ट होती है उसमें अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपकी 162 मांगी जाती है ना। दूसरी चीज़, शोल्डर जो टेक्निकल जो एनए की पोस्ट होती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपकी जो 170 हाइट मांगी जाती है, और आपके काउंटिंग प्रोसेस वही रहेगा। और जिन बंदों की एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, जिन बंदों की एज थोड़ी ज़्यादा हो रही है अब, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तो मैं आपको एक नॉर्मली बेसिक बता देता हूँ। जिनके पास में जो ये बहुत से बंदे बारहवीं कर देते हैं, फॉर्मा भी करते हैं, तो जो बंदे जो फॉर्मा कर रखा है, डिफॉर्मा हो जो भी है, साइंस से जो बिलोंग करने वाला बंदा, जिसने जो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी हैं, और उसमें डिफॉर्मा भी कर रखा है, तो वो स्पेशली जो इसमें फॉर्म भर सकता है। काउंटिंग आपके जो एज की जाएगी, 19 साल से आपके 25 साल काउंट की जाएगी, यानी आपके 96 से काउंट की जाएगी 2002 तक, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए स्पेशली बता रहा हूँ। और इसमें जो दूसरी चीज़ जो आप पूछोगे कि जिसमें क्या फिजिकल में क्या प्रोसेस रहेगा, तो फिजिकल में मेरे भाई कोई बदलाव नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी तक ऐसा कोई भी रूल नहीं देखा मैंने कि ये जो अभी तक कोई चेंजेस हुआ है कि एग्ज़ाम अपना पहले होगा, या ये जो कुछ ऐसा चीज़, सारे ऑल स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उन सभी की बात कर रहा हूँ। ऐसा किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ है कि जो आपके ट्रेनिंग से पहले आपका एग्ज़ाम हो गया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ना आज तक हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, और फ्यूचर में वैसा कभी नहीं हो सकता। जो लोग कह रहे हैं कि आपके जो ये ऐसे होने वाला है, तो इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, अपना और अपना दूसरों का टाइम भी वेस्टेज करोगे। इच्छा ऐसा है कि अपने लक्ष्य पर फोकस करो, उसके लिए प्रयत्न करो, उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए आप कंटिन्यू करते रहो, कुछ जो भी आपसे हो रहा है उसके लिए प्रयत्न करो, क्योंकि लक्ष्य मेन होना चाहिए आपका, उस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। ये चीज़ें हैं मैं आपके लिए स्पेशली बता रहा हूँ। अब चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ, जो कौन कौन से जिले की है, कौन कौन से जो स्टेट की है, ये चीज़ सब चीज़ बता रहा हूँ। फर्स्ट चीज़, राजस्थान के किसी भी ज़िले से बिलोंग करता है तो उस दोस्त के लिए पहले बता देता हूँ, और जो अलग अलग स्टेट वाले हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, 11 जुलाई से भर्ती होने वाले अपनी, जो आपके 2 अगस्त 2021 तक चलेगी,
ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 11 जुलाई से भर्ती होगी आपकी, जो आपके 2 अगस्त तक चलने वाले, इसके फॉर्म भी आपको चल रहे हैं। तो जिन बंदों ने फॉर्म नहीं भरा है, राजस्थान के किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, राजस्थान के किसी भी मतलब जो कोने से बिलोंग करता है ना, राजस्थान के जो किसी भी जो जिले, राजसमंद हो, जो अपना बूंदी हो, झालावाड़ हो, कहीं से भी बिलोंग करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, आपकी जो प्रोसेस है सब आप समझ सकते हो। जो स्पेशली मैंने जो कई बार वीडियो बना रखा है राजस्थान वालों के लिए, तो बहुत से ज़्यादा वीडियो मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो आप जो फॉर्म भर देना, जिन बंदों को नहीं भरा तो आप देख लेना फॉर्म और भर देना। दूसरी चीज़, दूसरे जो बंदे हैं यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, इनके लिए क्या है, और जो दूसरे जो हिमाचल वाले बंदे हैं, पंजाब वाले बंदे, इनके क्या प्रोसेस है, तो सभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सब दोस्तों के लिए अभी जून से भर्तियाँ आना स्टार्ट हो जाएगी। और जो एक तो शायद यूपी वाली आ भी चुकी है, तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत जल्दी आपको स्टेटस डाल दूंगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके सेना भर्तियाँ लगभग ऑलमोस्ट सभी सेना भर्तियाँ आने लग गई है, और राजस्थान के जितनी भी सेना भर्तियाँ कैंसिल हो रखी हैं, जो पोस्टपोन हो रखी हैं, वो सारी भर्तियाँ अभी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो सभी दोस्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी सेना भर्तियाँ सब होगी, और जो इसी बार होगी 2021 में होगी। कुछ लोग मुझे जो कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि 2021 तक, सॉरी 2023 तक सेना भर्तियाँ नहीं होगी। तो यार, जो ऐसे लोगों से की अफवाह में ना पड़े, ऐसे लोगों की सोच में ना पड़े, क्योंकि ये तो अपना टाइम वेस्टेज खराब करने के लिए ऐसे जो वीडियो बनाते हैं, ऐसे जो फालतू काम करते हैं, पर अपना लक्ष्य मेन इम्पोर्टेंट होता है, उस पर फोकस करना। टाइम हाथ से निकलता जा रहा है, हर चीज़ निकलती जा रही है, वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। फिर जो लास्ट में आप बोलोगे कि मुझे एज होगी, एज आउट होगी, लास्ट भर्ती है सर, क्या करें, इन चीज़ों को साइड में रखने के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अपना लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जो आर्मी वर्दी लेके आना है आपको बस, अदरवाइज़ कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि वो सेना भर्ती कैंसिल हो रही है, ये भर्ती होनी है, वो हो रही है। उसके लिए आपको जितना हो रहा है, आप कंटिन्यू प्रयत्न करते रहो, ठीक है। सभी भाइयों को मेरा ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को जितना उसके फॉरवर्ड करना, और अपना लक्ष्य ज़रूर फिक्स कर देना, ठीक है। मिलता हूँ ना वीडियो के साथ, तब तक के लिए बात, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच मेरे भाई। आपकी जो भी राय है मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, अदरवाइज़ कमेंट में आप ज़रूर मुझे डाल देना, ठीक है। मिलता हूँ ना वीडियो के साथ।